हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गॉव जॉब टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल गॉव जॉब टाइमलाइन पे। फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत में सीधी भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत में सीधी भर्ती आया है, जहाँ पे केवल ही केवल अगर आप 12 भी पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टोटल दोस्तों, यहाँ पे टोटल 1,60,000 पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिए है, जहाँ पे आपको वेतन मिल जाएगा 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पे SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी नोटिफिकेशन आया है ग्राम पंचायत में भर्ती को लेके। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट में। वहाँ पर जाके आपको जितना भी ग्राम पंचायत के लिए जो भी अपडेट आया है ग्राम पंचायत में भर्ती के लिए, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी वेबसाइट में आ चुकी हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आया है, आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपका ग्राम सच्चा विलयम की तरफ से आया है। एप्लीकेशन मोड जो है आपका ऑनलाइन है, आपको इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा। यहाँ पर जो दोस्तों पोस्ट नेम आया है, दोस्तों आप देख सकते हैं, पंचायत सेक्रेटरी, VRO, MPEO, उसके बाद गोपाल मित्र, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, ANM, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, उसके बाद आपका है ग्रामीण इंजीनियर, वेलफेयर असिस्टेंट, वोमेन पुलिस अटेंडेंट और डिजिटल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे 1,60,000 पदों पे ये वैकेंसी आया है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे पे स्केल की आपका सैलरी हो जाएगा प्रति माह यहाँ पे 5,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम 39 साल यहाँ पे रखा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे एज पे भी छूट मिल जाता है। आप देख सकते हो, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल के एज में छूट मिल जाता है, OBC के लिए 3 साल और 10 साल आपका PWD कैंडिडेट के लिए आपको एज में छूट मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, दोस्तों क्वालिफिकेशन यहाँ पे केवल ही केवल 10+2 यानी कि 12 पास मांगा गया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। सिलेक्शन जो होगा दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन आपका होगा रिटिन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस, यानी कि आपको रिटिन टेस्ट भी देना पड़ेगा साथ ही साथ इंटरव्यू भी देना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये मांगा गया है और SC ST एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट रखा गया दोस्तों, ये लास्ट डेट 15 अगस्त 2019 को रखा गया है। दोस्तों अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और जैसे ही इसका ऑनलाइन जो अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत में भर्ती के लिए जो भी अपडेट आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।